बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं हूँ अब्दुल बासित, आवाज़ पाकिस्तान के साथ। नाज़रीन, दरोग बगर्दन रावी, कल और आज कुछ मुस्लिम लीग के रहनुमाओं से बात हो रही थी, और जो कल मैंने एक सरसरी बात भी की थी कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब के लिए और मरियम नवाज़ के लिए कुछ प्री बारगेन के चक्रों में हैं, और वो चाहते हैं कि जिस कदर जल्द मुमकिन हो वो लंदन जाएं और हसन और हुसैन नवाज़ और इसहाक़ डार से वहाँ मिलें और जो प्ली बारगेन की तफसीलात हैं उनको तय करें कि कितना पैसा दिया जा सकता है कुछ सालों में या कुछ अरसे में। अब इसके लिए वो बहुत कोशिश कर रहे हैं और मुमकिन है कि वह करीब लंदन पहुँच जाएँ, लेकिन दूसरी तरफ हसन और हुसैन नवाज़ का ये ख्याल है कि प्ली बारगेन के चक्रों में न पड़ा जाए और जो भी मामलात हैं उनको कानूनी तौर पे आगे लेकर चला जाए, क्योंकि एवन फील्ड का मामला जिससे आप सब जानते हैं कि वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और अलजीजिया जो रेफरेंस है उसका भारत सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पटिशन जो है वो दायर करनी है और उसमें भी फैसला बाद में जब भी होगा। तो हसन हुसैन नवाज़ का ये ख्याल है कि इसको कानूनी तौर पे मामलात को तय किया जाए, ना कि प्री बारगेन से, क्योंकि अगर प्री बारगेन से मामलात को तय किया तो फिर जो एक सियासी साख है वो फैमिली की चली जाएगी। लेकिन शहबाज शरीफ और दूसरी तरफ जो है कैप्टन सफदर जो हैं वो आसिफ जरदारी बनना चाहते हैं, उनका ख्याल ये है कि मुझे भी एक वज़ीर आज़म के खामंद होने का एज़ाज़ तो मिलना चाहिए जिस तरह आसिफ जरदारी साहब को मिला। तो उनका भी ख्याल यही है कि कोई प्री बागेन का मामला नहीं लेना चाहिए और इसको कानूनी तौर पे ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर प्री बारगेन के किस्से में पड़ गए तो फिर शायद मरियम नवाज़ को भी बाहर जाना पड़े। लेकिन उनका ख्याल यही है कि चूंकि एवन फील्ड में हो सकता है कि मरियम नवाज़ की उनको छूट मिल जाए, बरी हो जाएं और वो सारा मामला उनके लिए ठीक हो जाए और डिसक्वालिफिकेशन जो है उससे वो आज़ाद हो जाएँ। तो कैप्टन सफदर का ख्याल ये है। मरियम नवाज़ के ख्यालात का अभी तक हमें नहीं मालूम पड़ सका, या जिनसे हमारी बात थी उन्होंने हमें कोई बताया नहीं कि वो क्या सोच रही हैं। यकीनन उनको अपने वालिद मोहतरम की सेहत का ख्याल होगा और वो चाहेंगी कि यहाँ जेल में रहने से बेहतर है कि वो लंदन चले जाएं, लेकिन फिर उनके जहन में ख्याल ये भी आता होगा कि मुझे भी वज़ीर आज़म बनना है, और अगर मैं एवन फील्ड से बरी हो जाती हूँ, उस मुकदमे से या उस केस से बरीउज़िम्मा करार दे जाती हूँ, तो फिर सारी राहें उनके लिए हमवार हो जाती हैं, फिर जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो टैग है वो उनसे हट जाता है। शहबाज शरीफ अलबत्ता चाहते हैं कि दोनों उनके बड़े भाई और उनकी जो भतीजी हैं वो खैर से प्ली बारगेन करके लंदन चले जाए, ताकि उनके लिए ज़रा फिर आसान हो जाएगा यहाँ सियासत करना अपने अंदाज से उनके लिए, और चूँकि एक फैमिली की शाख से दूसरी फैमिली की शाख में ये सियासत आ जाएगी, जबकि नवाज शरीफ पार्टी के कायद भी रहेंगे, लंदन से भी वो कायद रह सकते हैं, लेकिन एक्चुअल जो है मामलात शहबाज शरीफ साहब के पास आ जाएंगे। तो उनका अपना ख्याल ये है कि, और चूंकि उनका ये भी एक कंटेंशन है कि नवाज शरीफ साहब की सेहत को इतनी अच्छी नहीं है और बेहतर है कि वो अच्छे पुरफजा मकाम में बैठ कर अपना इलाज करवाएं और उन डॉक्टर्स से अपना इलाज करवाएं जो उनको उनकी बीमारी को जानते भी हैं और उनका इलाज करते भी रहे हैं। तो देखिए, सियासत भी कितनी जालिम चीज़ है नाज़रीन, के बाज़ औक़ात आपसे, ठीक है वो ज़ाहरी तौर पे तो नहीं मानते होंगे, लेकिन दिल में ख्वाहिश तो होगी कि मैं भी वज़ीर आज़म बनूँ पाकिस्तान का। मैंने इतने साल वज़ीर आला रहा पंजाब का, इतने मैंने धड़ल्ले से वहाँ हुकूमत की, तो अब मेरा भी हक बनता है कि मैं इस्लामाबाद में हुकूमत करूं, और चूंकि मेरे ताल्लुकात तमाम जो स्टेक होल्डर से बड़े अच्छे हैं तो कोई वजह नहीं है कि मैं भी हुकूमत या वज़ीर आज़म ना बन सकूं। तो इसलिए ये मुतज़ादात, एक इख्तलाफ तो भारत मफादात में है, तो अब देखते यही हैं कि मामलात ऊंट किस करवट बैठता है, आला आया की बारगेन हो भी सकती है नहीं हो सकती, कानून क्या कहता है उस बारे में। लेकिन ये बात अपनी जगह है कि इस वक्त चिमागोयाँ हो रही हैं, और जिन लोगों से मेरी मुस्लिम लीग के लोगों से बात हुई उनका यही कहना है कि इस किस्म की बातें हैं हवा में, और इसका तस्करा इस हवाले से बातें भी हो रही हैं, तो मुमकिन है कि शहबाज शरीफ साहब जल्द ही लंदन चले जाएं।
अब अल्लाह वालों बिस्सवाब क्या होता है, हम और आप सब इंतज़ार करेंगे और देखते हैं कि मामलात किस तरफ जाते हैं। दूसरी तरफ पीटीआई को भी लेकर नाज़रीन बड़ी चीमा गोयाँ हो रही हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप्स जो बहुत से बने हुए हैं उसमें आजकल ये भी एक डिबेट चल रही है कि शायद शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो इन चक्रों में हैं कि वो इमरान खान को रिप्लेस करें एज तहरीक इंसाफ के लीडर के तौर पर। नाज़रीन मैं बहुत ऑब्ज़र्व करता हूँ, थोड़ा बहुत तजुर्बा भी है। कुछ लोग होते हैं जो पैदाइशी तौर पे उनकी जो हैसियत होती है जब वो काम करते हैं तो नंबर दो की हैसियत से बड़ा अच्छा काम करते हैं, जब उनको आप नंबर एक पोजीशन पे ले आते हैं तो वो उस तरह कामयाब नहीं रह पाते जिस तरह वो नंबर दो की पोजीशन में होते हैं। ये कतई नहीं कह रहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब एक नंबर पोजीशन पे कामयाब नहीं होंगे, लेकिन मेरा तजुर्बा यही है कि कुछ लोग जो हैं वो दो एस डेप्यूटी या नंबर दो पोजीशन पे ही ठीक रहते हैं, और मुझे लगता नहीं है, और मेरा अपनी असेसमेंट ये है कि अगर इमरान खान ने इस अपनी पार्टी को जो उन्होंने बड़ी मेहनत की है, 22-23 साल उन्होंने लगाए हैं इस पार्टी को, अपना खून दिया है, अगर उन्होंने इसको, और जो ये मैं बात पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि अगर उन्होंने इसको जमहूरी अंदाज से डेवलप न किया, पीटीआई को एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूशन न बनाया, तो ये इमरान खान के बाद ये जो है जमात, ये पीटीआई तितर बितर हो जाएगी, इसका मुझे कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता उस तरह, क्योंकि इसमें इस कदर डिविजन्स हैं नाज़रीन कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब की एक तो चलें ये ख्वाहिश हो सकती है, क्योंकि ये भी एक फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है कि पाकिस्तान में इस किस्म की बातें फैलाई जाएं कि पीटीआई अब जा रही है, इमरान खान जा रहे हैं, लोग उनसे खुश नहीं हैं, दूसरे स्टेक होल्डर्स उनकी परफॉर्मेंस से मुतमइन नहीं हैं, इसलिए अब एक नए लीडर की तलाश हो रही है, और शाह महमूद कुरैशी जो हैं उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो अब वो ज़ाहरी तौर पे वही लीडर नज़र आते हैं। तो ये एक अफवाहों का सिलसिला भी हो सकता है, लेकिन ये बात भी अपनी जगह हकीकत है नाज़रीन कि शाह महमूद कुरैशी साहब चाहते हैं कि वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने। इन्होंने जो जहांगीर तरीन साहब के हवाले से एक बयान दिया कल परसों, उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि एक तो वो ज़रा टेस्ट करना चाहते थे कि कहाँ पे पूरी पार्टी के जो लोग कहाँ खड़े हैं, अगर वो ऐसी बात करेंगे तो ज़रा मालूम होगा कि कौन कौन उनकी सपोर्ट में बयान देता है, लेकिन हुआ ये कि ज़्यादातर जो सपोर्ट आई वो जहांगीर तरीन साहब के हवाले से आई। दूसरा ये भी वो देखना चाहते थे, या कम अज़ कम ये कन्वे करना चाहते थे इमरान खान को, या उनके जहन में ये बात डालना चाहते थे कि शाह महमूद कुरैशी सेंटर में रहकर इसी किस्म की बातें करेंगे तो बेहतर है कि इनको मैं पंजाब की हुकूमत ही दे दूं, और उस्मान बुज़दार साहब को हटाने के लिए भी कुछ हम सुन रहे हैं कि उनके बारे में भी कुछ फैसले शायद हो रहे थे, तो ये मुनासिब समझा शाह महमूद कुरैशी साहब ने कि इस किस्म का बयान छोड़ दूँ ताकि इमरान खान और जहांगीर तरीन साहब, ख़ास तौर पर इमरान खान वज़ीर आज़म, वो यही समझें कि यार सेंटर में रहने की बजाय अगर मैं शाह महमूद कुरैशी साहब को पंजाब ही भेज दूँ तो कम अज़ कम सेंटर में जो कैबिनेट है वो जल्द सही मानों में हो सकेगी, क्योंकि किसी एक का भारल इस सूरत में दोनों का रहना ठीक नहीं है। हालांकि जहांगीर तरीन साहब कैबिनेट में नहीं है, लेकिन चूंकि उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है पार्टी के हवाले से एक्टिविटीज़ में, तो उनको आप बिल्कुल डिसमिस नहीं कर सकते। दूसरी तरफ ये भी बात हम सुन रहे हैं कि जो गवर्नर है पंजाब के, वो शाह महमूद कुरैशी के लिए सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि वो पंजाब के वज़ीर आला बन जाएं, लेकिन वहाँ भी जहांगीर तरीन साहब काफ़ी जो हैं उनका नज़र आता है कि वो बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं इन मामलात में, और वो किसी तौर भी फ़िलहाल उस्मान बुज़दार को नहीं जाने देंगे, और देखना अब यही है कि कौन प्रिवेल करता है, क्या शाह महमूद कुरैशी जो हैं उनको वजारत आला मिलती है पंजाब की या नहीं। वो कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, इसमें कतन कोई शक नहीं है, क्योंकि वो मुस्तकबिल का सोच रहे हैं, उनको मुस्तकबिल का इसलिए है कि अगर लोग जो हैं अवाम इमरान खान जिसका जो परफॉर्मेंस इस वक्त जारी है, जो हालात इस वक्त मुल्क के हैं, ख़ास तौर पे माशी हालात, वो इतने चूंकि अच्छे नहीं हैं, लेकिन मुमकिन है इंशाल्लाह कि अगले 2-3 सालों में
कुछ काया कुछ हालात बदल जाएं और मस्बत नताइज आना शुरू हो जाएं। लेकिन शाह महमूद कुरैशी अपने आप को पोजीशन करना चाहते हैं और पंजाब से ज़्यादा बेहतर तो और कोई सूरत हो नहीं सकती। अगर पंजाब में वो वज़ीर आला बन जाते हैं तो फिर उनके लिए आसानी हो जाएगी कि अपने आप को वो बहैसियत लीडर जो है या क्लेमेंट एक जो है कि वो पीटीआई की लीडरशिप के वही हकदार हैं। तो इसलिए बहैसियत सियासतदान इट मेक सेंस कि शाह महमूद कुरैशी अपने आप को मजबूत करें पार्टी के अंदर भी और बाहर की दुनिया को भी ये इम्प्रेशन दें कि ही इज़ द ओनली कैंडिडेट इन द पीटीआई टू रिप्लेस इमरान खान। अब इमरान खान किस तरह इसको देखते हैं इन चीज़ों को, इमरान खान बुनियादी तौर पे एक कॉन्फिडेंट आदमी हैं, वो शायद समझते हैं कि इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो वोट है वो तो इमरान खान ही का है। तो इस वजह से पीटीआई अगर जिंदा रहनी है या इस हाल में रहना है तो वो बहरहाल इमरान खान के हवाले से है, और अगर इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहते किसी तौर भी तो फिर पीटीआई को मैं नहीं समझता कोई रिप्लेस उस तरह कर सकता है। ये भी बात सुनने में आ रही है कि शायद प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी लाया जा रहा है और इस हवाले से आईन में तब्दीलियां भी की जाना की सोचा जा रहा है। आप किस हद तक ये बात दुरुस्त है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इस वक्त हमें आईन से उसको ट्वीक या उससे फिडल नहीं करना चाहिए, और पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो इसको चलाइए और ये भी डिलीवर कर सकता है। ये नहीं है कि हमारे यहाँ सिर्फ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ही डिलीवर करेगा, पहले भी हमने देखा जो प्रेसिडेंट्स आए उन्होंने क्या किया, मुल्क को किस तरफ ले गए, वो हम सब जानते हैं। तो अगर आप सही हैं, लीडरशिप सही है, टीम सही है, तो इस सिस्टम में भी रह के आप डिलीवर कर सकते हैं। नाज़रीन मुख्तसर सा वक्फ़ा लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट में बहुत से और दूसरे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन आवाज़ पाकिस्तान में दोबारा खुश आमदीद। खबर यह है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार अपनी मिनिस्टर अपने काबीना के लिए और कुछ और लोगों के लिए 70 गाड़ियां नई ख़रीदने जा रहे हैं और उसके लिए एक समरी तैयार हो गई है, और अब देखा यह जाएगा कि आया ये नई गाड़ियां जो ख़रीदने जा रहे हैं ये इसकी आया वाकई ज़रूरत है कि नहीं। और सुना यही है कि जो इस वक्त वज़रा हैं काबीना है पंजाब की, उन्होंने पुरानी गाड़ियों में बैठने से इनकार कर दिया है। बड़ा मुनासिब मुतालबा है नाज़रीन, हु केयर्स कि इस वक्त ख़जाने में पैसा है कि नहीं है, लेकिन बहरहाल एक वज़ीर का पुरानी गाड़ियों में बैठना तो बहुत बुरी बात है। मैं समझता हूँ कि वज़ीर को तो नई गाड़ियों में बैठना चाहिए, नया वज़ीर नई गाड़ी, ये तो एक बिल्कुल असूल तय हो जाना चाहिए कि जब भी नया वज़ीर कोई बनेगा वो नई गाड़ी में भी बैठेगा। क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत का कानून है या प्रोसीजर्स हैं वो ये है कि 7 साल एक गाड़ी आपने इस्तेमाल करनी है और उसके बाद वो 7 साल के बाद वो गाड़ी तब्दील हो सकती है। लेकिन बहरहाल अब 7 साल कौन इंतज़ार करे, अगर पहले ही पिछले 5 सालों में वो गाड़ी बेड़ा गर्क कर दिया पुरानी हुकूमतों ने तो नए वज़ीर को क्या ज़रूरत पड़ी है कि पुरानी गाड़ियाँ बैठे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि नई गाड़ियाँ फ़ौरन से पेशतर पंजाब की हुकूमत को मिलनी चाहिए ताकि जो हमारे वज़रा हैं और जो और इम्पोर्टेंट पोजीशन में वहाँ लोग हैं उनको किसी तरीके से भी ये महसूस ना हो कि वो पिछली हुकूमत के वज़रा से कमतर वज़रा हैं। उनको ये एहसास बारड़ होना चाहिए कि वो जो हैं वो भी उतने ही अच्छे वज़ीर हैं, इतने ही अहम वज़ीर हैं जितने के पहले पिछली काबीना में थे। तो ये बहुत तो उस्मान बुज़दार साहब जो सरदार बने हैं तो बड़ी अच्छी बात है, वो हैं तो सरदार ही, तो उस्मान सरदार उस्मान बुज़दार जो हैं उनको दिखाना चाहिए कि वो ये मामलात इस तरह नहीं चलेंगे। ठीक है बाकी बचत कफाए शारी अपनी जगह पे, लेकिन जब वसूलों की बात होती है तो उस पर कोई सौदाबाजी नहीं होनी चाहिए। तो वेल डन उस्मान बुज़दार साहब, विश यू ऑल द बेस्ट। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज एक और इंडियन मीडिया में खबरें आ रही हैं कि भारत में जो है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है उनकी CCS है उसकी मीटिंग हुई और उसमें वहाँ के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को यकीन दिलाया है कि हम बिल्कुल तैयार हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक्शन लेने में, बस सिर्फ जो पॉलिटिकल हमें आपकी तरफ से चाहिए
आप हमें इजाजत दें तो पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन हो सकता है। दूसरी तरफ आपको याद होगा कि कल परसों हमारी हुकूमत ने भी कहा था कि जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते भारत में, उस वक्त तक खतरा मौजूद है। और ख़ास तौर पे जो भारत के वज़ीर आज़म हैं, उनके इंतखाबात में चूंकि मामलात जो हैं काफ़ी सख्त हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो हारने वाले हैं, लेकिन भारत उनके लिए 2014 वाली पोजीशन नहीं है, इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं ताकि जो अपने बताएंगे जी वो मस्कुलर पॉलिसी अडॉप्ट की है या उसको परसू कर रहे हैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। तो जो उड़ी के बाद वाक़या हुआ था नाज़रीन, आपको याद होगा 29 सितंबर को, उस किस्म का वाक़या वो दोहरा सकते हैं कि हुआ कुछ नहीं, लेकिन ये शोर मचाया जाए कि हमने LOC के उस पार जाकर दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई की है। तो इस किस्म का ड्रामा वो दोबारा रचा सकते हैं और उससे शायद उनकी जो उनका जो वोट है वो शायद ज़्यादा हो जाए, तो ये कार्रवाई ज़रूर हो सकती है। दूसरी तरफ हमें भारत हमारी तो फोर्सेस जो हैं आर्म फोर्सेस बड़ी अलर्ट हैं, विजिलेंट हैं, और अगर उस किस्म की वाकई कोई कार्रवाई हुई तो यकीनन ऐसी कार्रवाई को, मिस एडवेंचर को पसपा किया जाएगा, और उसमें हमारी आर्म फोर्सेस अल्हम्दुलिल्लाह ये सलाहियत रखती हैं। लेकिन अगर कोई वाकया हुआ ही ना हो और एक शोर मचाया जाए तो उसका तो फिर हम कोई हमारे पास हल नहीं है इसके इसके अलावा कि हम दुनिया को सही जो हकीकत है वही बताएं, और जो हमने पहले भी किया था वही हमारे लिए ठीक रास्ता होगा। लेकिन भारत हमें विजिलेंट रहना है। दूसरी तरफ नाज़रीन, पुलवामा के वाक़े के बाद इस वक्त जो भारत की एयरलाइंस हैं, जो इंडस्ट्री है कमर्शियल एयरलाइंस की, वो बड़ी इस वक्त मुश्किल में है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप चूंकि पाकिस्तान ने वो फैसिलिटी उनको नहीं दे रखी कि हमारे ऊपर से वो फ्लाई करें, तो जितनी भी कमर्शियल उनकी फ्लाइट्स हैं वो लंबा रूट लेकर जा रही हैं। मिसाल के तौर पर अगर दिल्ली काबुल के दरमियान जो 2 घंटे का फासला था, अब वो तकरीबन 5 घंटे का फासला बन गया, और इसी तरह जब फासला बढ़ता है तो किराया भी बढ़ जाता है। अगर दिल्ली और काबुल के दरमियान उस वक्त राउंड ट्रिप अगर भारतीय जो रुपया है 18,000 रुपये में मिल जाता था, तो अब उसकी टिकट की कीमत अब तकरीबन 40,000 या 42,000 के करीब हो गई है। तो इतना फ़र्क पड़ गया, और इससे बहुत सी फ्लाइट्स वेस्ट से भी जो मगरिब से भी आती थी वो भी कैंसिल हो गई हैं, और बहुत सी इंडियन जो एयरलाइंस हैं उन्होंने भी अपनी फ़्लाइट्स को महदूद कर दिया। और अगर ये सिलसिला ज़्यादा अरसे तक चला तो काफ़ी जो इंडस्ट्री है उसके लिए मुश्किल पैदा हो जाएंगी। अब भारत को ये फैसला करना है कि आया वो इस किस्म के तजुर्बात करता रहेगा, एक मस्नूई जो आर्टिफिशियल क्राइसिस है वो क्रिएट करता रहेगा अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए, या फिर कुछ होश के नाखून लेगा। क्योंकि इस किस्म की चीज़ों का नुकसान पाकिस्तान को तो चले हमें भी है, लेकिन भारत को भी बहुत नुकसान हो रहा है इस वॉर हिस्टीरिया से। तो भारत को अब ये फैसला करना है कि आया वो अब, लेकिन चूंकि इस वक्त मोदी बड़ी मुश्किल में हैं, एक ख़ास सिचुएशन है उनके लिए, तो वो माइंड नहीं करेंगे कि इस वक्त जो है एक और अगर एक्शन भी क्रिएट करते हैं कोई इस किस्म की सिचुएशन, जो फॉल्स फॉल्स फ्लैग भी नहीं करना चाहिए, एक ड्रामा जो है शैम सर्जिकल स्ट्राइक अगर वो करते हैं, तो भारत लगता यही है कि इंतखाबात तक ये सूरत हाल रहेगी, और भारत की जो कमर्शियल जो एयरलाइंस हैं उनको भारत अब ये नुकसान तो उठाना पड़ेगा, क्योंकि अब उन्होंने ऐसे शख्स को मुंतखब किया है जो कि अपने जहन में एक हिंदुत्व माइंडसेट रखता है, वो बड़ा वेंजफुल भी है, वो विंडिक्टिव भी है, और उसकी सोच बड़ी क्या कहना चाहिए कि ब्लिंकर्ड है, वो चीज़ों को बड़े ख़ास जाविये से देखता है। तो ऐसी अगर लीडरशिप को आप मुंतखब करेंगे तो फिर यकीनन आपको उसके जो नतीजे हैं वो ही भुगतना पड़ेंगे। अब भारत जमहूर का फैसला जो भी होगा वो तो अब होना है, अब देखते हैं कि 23 मई को जब नतीजा अनाउंस होगा भारत के इलेक्शंस का तो क्या रिजल्ट निकलता है। तो इंटरेस्टिंग डेज अहेड, हम सब लोग बड़े मुंतजर हैं कि भारत में भारत के लोग जो हैं वो क्या फैसला सुनाते हैं। एक मुख्तसर सा वक्फा नाज़रीन, और फिर अगले सेगमेंट में आपकी कॉल्स भी लेंगे, हमारे साथ रहिए।
जी नाज़रीन, दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ एक कॉलर हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, जी। वालेकुम अस्सलाम मैं कराची से बात कर रहा हूँ डॉक्टर आरिफ। जी। डॉक्टर साहब फरमाइए, क्या कहना चाहते हैं? आपने माशी सूरत हाल बात की, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल मुश्किल है। इसके लिए दो बातें होती हैं, एक तो या तो इनकम बढ़ाई जाए जी, या अखराज कम किए जाए। तो अखराज कम करने में यह है कि मौजूदा पार्लियामेंट के ऊपर जो इतने अखराज हो रहे हैं, पार्लियामेंट काम क्या कर रही है? पार्लियामेंट में कानून साजी तो कोई हो नहीं रही है। पार्लियामेंट को फारिग किया जाए, सदारती निजाम जो है, जो फ्रांस वाला है या तुर्की वाला है, कि पूरे मुल्क के लोग वोट डालें और एक सदर को इलेक्ट करें, 50% ज्यादा जो लोग, जो भी आदमी शख्स वोट ले जाए। और दूसरी बात ये है, मेरी एक बात सुन लीजिए थोड़ी सी, इसको ये बताएं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जमहूरी निजाम है, इसमें कौन से लोग जो है ना हमारे जमहूरी लीडर हैं? क्या जफरुल जमाली आवाम के नुमाइंदे थे? क्या उसके बाद वो आए अपने कौन मुशरफ के दौर में दूसरे नुमाइंदे थे? शौकत अजीज साहब की बात। शौकत अजीज साहब के आवाम के नुमाइंदे थे क्या? जाम सादिक सिंध के आवाम के नुमाइंदे थे? ये सब चीजें पार्लियामेंट्री सिस्टम में है ना। दूसरी चीज ये कि जोड़ तोड़ के साथ होती, क्या परवेज इलाही और ये लोग इमरान खान को ब्लैकमेल पंजाब में कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? इनका खर्चा भी कितना हो रहा है? ये देखें ना, अगर पार्लियामेंट हमारी, एक जमाना था कि सिर्फ 12 वजीर होते थे, एक सदर होता था। लेकिन लेकिन डॉक्टर साहब, पार्लियामेंट तो फिर भी होगी, मतलब एक मुकन्नना तो होगी ना, मुकन्नना तो होगी लोगों को। जिस तरह सदारती निज़ाम का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल हमारी मुकन्नना खाए हो जाए, बिल्कुल हट जाएगी या मिट जाएगी। मुकन्नना बाहर लाएगी, लोग अपने नुमाइंदे इलेक्ट करके भिजवाएंगे ताकि कानून साजी हो सके, जिस तरह अमेरिका में होता है। वहाँ भी कांग्रेस है, सेनेट है। और एक और कॉलर है हमारे साथ, लेकिन मैं भारत इसके हक में फ़िलहाल नहीं हूँ। मैं यही समझता हूँ कि इसी सिस्टम को मजबूत किया जाए, और अगर लोग अच्छे लोगों को मुंतखब करके लाएंगे, असल तो मामला लोगों का भी है कि वो किस किस्म के लोगों को चुन के लाते हैं। मैं समझता हूँ कि उनकी बहुत सी मजबूरियाँ हैं, बरादरियाँ हैं, कबायली मामलात हैं, ये सब चीज़ें अपनी जगह पे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा ऐसा इसी सिस्टम को ठीक अगर किया जाए तो हालात बेहतर हो सकते हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ, कौन साहब? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर जी कैसे हैं? खरीद से? अल्लाह का बड़ा करम है, क्या कहना चाहते हैं हजूर आप? सरदार आदिल सर, इस्लामाबाद। जी सरदार साहब फरमाइए, क्या कहना चाहते हैं? वासिफ साहब, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि ये आपको पता है पेशावर के अंदर BRT में 16 अरब की करप्शन, तारीखी करप्शन, नया पाकिस्तान। मैं बल्कि तो मेरा ताल्लुक सरदार साहब पेशावर से, और मैं पिछले 2 हफ्ते पहले पेशावर से होके आया हूँ, और हालात देखे हैं मैंने वहाँ के, बहुत खराब हालात हैं। तो सर इसके इस ये जो 16 अरब करप्शन हुई है, तो प्रोग्राम कब करेंगे आप? इंशाल्लाह अगले हफ्ते मेरा इरादा है कि मैं BRT पे एक प्रोग्राम करूं और उस पे लोगों को बताऊं कि क्या हुआ ये, है। ये सिलेक्टेड नियाजी एंड कंपनी को आपने बिल्कुल TV के ऊपर इनको बताना है कि ये क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। मुख्तसरन ये है कि BRT ने बहुत तबाही मचाई है पिशावर में, और ये एक अंधी तकलीद जिसे हम कहते हैं, बस वो है कि चूंकि लाहौर में एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट हुआ, इस्लामाबाद पिंडी में हुआ, तो पेशावर में भी होना चाहिए। अब ये अलग बात है कि पेशावर की वो ज़रूरियात हैं नहीं हैं, कितने लोग उस बसों से फ़ायदा उठाएंगे, क्या होगा। बल्कि आज तो एक वीडियो क्लिप बड़ा वायरल हुआ था BRT से मुतालिक, कि जो सड़कें बनी हैं और जो बसें मंगवाई गई हैं, वो बसें बड़ी हैं और सड़कें छोटी हैं, इसलिए वो बस जो है वो BRT का जो डेजिग्नेटेड रास्ता, उससे निकलकर बाहर GT रोड पे चल रही थी। तो इस किस्म की बातें भी हो रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह अगले हफ्ते इस पर एक प्रोग्राम करते हैं और देखते हैं कि BRT का मामला है क्या। एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन साहब? क्या हाल है सर, कैसे है? ठीक ठाक। अल्लाह का बड़ा करम है, तासो खे। बिल्कुल खैम, अल्हम्दुलिल्लाह, तासो खे। पाकिस्तान जी जी ना चीज कैदाजुम जोड़ को कैदाजुम कुर्बानी और कड़ा
مسلمانان ایران خمینی پارٹی پابندی وہ لگی جی پاکستانی تصویر وہ لگو خمینی خمینی جی تصویر تھا لگو لے پدی باندھی وہ پروگرام کا اچھا چلو پن کوڈ چیز پدی باندھی پابندی وہ لگی خمینی اچھا وہ یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ بھئی یہ پاکستان ہم نے بنایا ہے اور قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا ہے لیکن کچھ لوگ کچھ اور تصاویر لگا لیتے ہیں تو اس کو منع کیا جائے. تو میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہم نے پاکستان بنایا ہے اور قائد کی تصویر ہی ہر جگہ ہونی چاہیے, سرکاری عمارتوں میں اور دوسری پبلک جگہوں پہ ہمارے قائد کی تصویر ہی ہونی چاہیے. تو ناظرین تھوڑا سا جو ہے بی آر ٹی کے معاملے میں چونکہ پہلی ایک کال آئی تھی, میں پچھلے ہفتے شاید پشاور گیا تھا, اتفاق ہوا تھا بی آر ٹی کو دیکھنے کا اور آپ یقین جانیے بہت دکھ ہوا کیونکہ پشاور, کیونکہ میں وہیں میری پیدائش ہے, وہیں میں نے گریجویشن بھی وہیں سے کی, میرا شہر ہے, میرے کتنی پشتوں سے ہم وہاں پہ ہیں. تو پشاور کا اپنا ایک مزاج تھا, اپنی ایک خوبصورتی تھی جو کہ بی آر ٹی نے بڑا غرق کر کے رکھ دیا میں تو سمجھتا ہوں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, کون صاحب؟ ہیلو, عابد سر کراچی کے. جی عابد صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں, فرمائیے عابد صاحب. سر میرا نام عابد ہے سر, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں سر. میں سر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے بی آر ٹی والا کھیل رچایا ہے, اتنا عرصہ لگا کے سر انہوں نے پیسہ برباد کیا اس قوم غریب قوم کا. یہ جو لاہور کی ٹرین کے بارے میں اور اس میٹرو کے بارے میں اتنے روز آ کے بیانات دیتے تھے خلافت میں, اور یہ سر انہوں نے کیا کیا, کیا یہ غریب قوم کا پیسہ اسی طرح لٹانے کے لیے آئے ہیں؟ کیا ان میں اہلیت نہیں ہے کہ یہ غریب قوم کا پیسہ بچا کے غریبوں پر لگائیں؟ نہیں آپ ایسا, بالکل آپ کے جو تحفظات ہیں یا خدشات ہیں بالکل درست ہیں, کیونکہ بی آر ٹی کا پروجیکٹ تو ایک سفید ہاتھی بن چکا ہے, اب سمجھ نہیں آتی اور یہ اس نوالے کی طرح ہے اب کہ اس کو نکل بھی نہیں سکتے, نکال بھی نہیں سکتے, اگل بھی نہیں سکتے. تو بڑا مسئلہ سا بن گیا ہے. جو اس کا اوریجنل شاید تھا وہ بہت کم تھا, اس کا خرچہ جو پی سی ون تھا, اس کے بعد اس کے اخراجات بڑھتے بڑھتے تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, کون صاحب؟ ہیلو ہیلو. جی کون صاحب؟ شاگر خان. جی فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں خان صاحب. یہ اپنے پشاور میں جو ہماری یہ میٹرو بن رہی ہے, جی جی, اس کے بارے میں ذرا بات کرنی تھی. جی فرمائیے فرمائیے, آپ کی آواز آ رہی ہے. جی جناب, یہ دیکھیں اب اتنا بہت زیادہ پیسہ اس لوگوں نے لگا دیا اور کام بھی ابھی تک بنا نہیں ہوا, اور ہمارے لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں شادر خان صاحب کہ اگر یہ بن بھی جاتا ہے تو اس سے کوئی واقعی کوئی فائدہ ہوگا پشاور کے لوگوں کو؟ کوئی فائدہ نہیں. اگر یہ پیسہ, چھوٹا سا یہ تو شہر ہے, اگر یہ پیسہ اگر اور کوئی کام پر لگ جاتا تو بہت بہتر ہوتا, اسکولوں پر, اسپتالوں پر, اور ایسے کہیں چیزیں ہیں جو یہاں پر نہیں, اس کی ضرورت نہیں تھی ہمیں. بالکل, میں میرا بھی یہ خیال ہے کہ پشاور میں اس طرح ٹریفک نہیں ہے جس طرح ہم لاہور میں شاید دیکھتے ہیں یا اسلام آباد پنڈی کے درمیان دیکھتے ہیں, اور پشاور کی ضروریات کم ہیں ایز کمپیئر ٹو جو ہے ادر سٹیز, اور مجھے نہیں معلوم کہ کیا ان کے بل, لیکن یہی ایک تھا کہ ہم بھی ایک میگا پروجیکٹ لے کر آتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ جی ہم بھی کر سکتے ہیں. اگر مسلم لیگ نون کی حکومت لاہور میں یا اسلام آباد پنڈی میں میٹرو بس چلا سکتی ہے تو ہم بھی چلا سکتے ہیں, ہمیں بھی یہ صلاحیت ہے اور اہلیت ہے. لیکن وہ اپنے آپ کو پی ٹی آئی نے ایک حوالے سے ایکسپوز بھی کیا ہے, جس کا افسوس ہوتا ہے کہ سیاست کے کھیل میں جو پیسہ ضائع ہو رہا ہے وہ عوام کو اور ملک کا ہی ہو رہا ہے. تو اس قسم کی جو ہے مس ایڈونچرز نہیں کرنی چاہیے, اس کا پولیٹیکلی جو ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ہو سکتا ہے اور یہ بوم رینگ بھی کر سکتا ہے, جو ہم نے دیکھا کہ بھی لوگ اس پہ اپنے غصے کا اظہار بھی کر رہے ہیں. تو ناظرین آج کا پروگرام کا وقت ختم ہوا, انشاءاللہ یہ اس ہفتے کا آخری پروگرام تھا. اگلے ہفتے آپ سے پیر کے روز ملاقات ہوگی, اور شب معراج بہت مبارک آپ سب کو. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ, پاکستان زندہ باد.